रही है, किसान बेचारे धूप में मर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए हम कुछ ठंडे पानी का इंतजाम करके आए हैं। तो हम चलिए चलते हैं, सवाल जवाब करते हैं। दोनों बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। पानी वानी का इंतजाम यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल। पानी पहले सबसे पहले आप पानी पीजिए, फिर कुछ हम आपसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। पहले आप पानी पी लीजिए और पास होगा तो आवाज़ नहीं आएगी ना। चलिए राजू भाई, धूप में आप काम वाम कर रहे हैं, इसमें कैसे फसल वसल कैसे तैयार होती है, हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे ताकि हम घर पर भी जैसे सब्जी की पैदावार कर सकते करना चाहे तो कर सकते हैं ना। इसको धूप में इसके लिए ऐसे गोड़ रहे हैं जी कि जो ये घास हमारी है जी ये धूप में सूख जाएगी जी, दोबारा खेत में लगेगी नहीं जी। जो शाम को हम लोग नमी में इसको निगा रहे हैं, मट्टी जो इसको इसको जो होती है घास ये इसमें सूखेगी नहीं, पानी दे दिया तो फिर लग जाएगी। इसे धूप में इसको हम काम कर रहे हैं। अभी इसमें फल निकले हुए लगे हुए फल, ये फल दिखाइए थोड़ा, देखिए भाइयों को। अच्छा ये क्या है, परवल है ये हमारा फल लगा हुआ देखिए। अच्छा, अच्छा, ये आपको हर घास में मिलेगा देखो। अच्छा ये फल है, ये परवल है। ये इसे कितने दिन में तैयार होता है, अगर आप इसे कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये आपको हमारे मेहनत के हिसाब से तैयार होगा कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने में तैयार होता है। अच्छा, तो अभी हमारा 3rd महीने में तैयार हुआ है। 3rd महीने में आपने हमने बहुत मेहनत की है, मतलब 3 महीने में तैयार होती है। 3 महीना ये चलता भी है, 6 महीना 7 महीना पूरा तुम्हारा नवंबर तक चलेगा ये जी, नवंबर तक चलता। हाँ, ये पूरा ठंडी पूरा इसमें ठंडी बारिश ये सब चलेगा। अच्छा अच्छा, तो और क्या ये भिंडी बोई है? भिंडी है, इसके बोई है खाने वाने के लिए। भिंडी है, भिंडी बोई है, भिंडी अपनी सब्जी खाने के लिए है, रोटी खाने के लिए। आप इसको मार्केट में भी ले जा सकते हैं, ज्यादा आपके पास को आप मंडी मंडी ले जाते होंगे बेचने बेचने के लिए ना? तो आप मंडी ले जाते हैं, अकेले किसानी कर रहे हैं यानी आप? तो अकेले कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बाकी हम जितना हैं मतलब हमारी हॉबी है लोगों की मदद करना, हेल्प करना। हाथ पैर से पैसे वाले तो नहीं है इतना, अगर भाई लोग चाहेंगे कोई तो ऐसा अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया अगर हो गए तो वैसे भी मदद कर रहे हैं। बाकी हाथ पैर से हम जिस लायक हैं, हमारी हॉबी है मदद करना आप लोगों की। हमको ठीक है, हमको बहुत अच्छा भी इसको उपज होता है, उसमें से कर सकते हैं। अच्छा, अपना लोखन का बना है इसके फार, इसको हमको भात खत्म करना है। अच्छा अच्छा, हमको ज्यादा अकेले मेहनत करना है, जैसे हमको लेबर महंगा नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा बौड़ा इधर उधर कर देते हैं अभी इसे। अच्छा अच्छा, तो हम इसको चलाते हैं जी, जी, इसको चलाते हैं जी, जी, सारी घास इसमें सुखड़ जाती है ऐसे करते हैं। तो ये घास सुखड़ जाएगी तो सूख जाएगी है। अच्छा, तो कहीं कहीं बचेगी। अच्छा, तो ये हाथ वाला यंत्र है, बाकी तो हमने देखा है ट्रैक्टर से भी जोता जाता है। हाँ, वो ट्रैक्टर वाला दूसरा होता है। बोने के बाद खेती करने के बाद ये हाथ का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपना अपने हाथ का ही है। अच्छा, अपने मतलब ऐसे बनवा लिए हैं लोखन का जी, कि हमने इसको अपने किसी को पैसा करेंगे, अपने हाथ का ही। चलिए, कोई भी खेत पर आए आप क्या बोए हैं भाई, हमको ये फल अच्छा लग रहा है, कभी बो दिए हैं बहुत आगे तैयार हो गया। ये बोने से ही नहीं मतलब है, आप उसको तो देख सकते हैं भाइयों, जैसे कि हमारे किसान भाई राजू भाई नाम है इनका, तो खेत में कितनी मेहनत कर रहे हैं धूप में, तो कुछ इस तरीके से। बाकी हमारी हॉबी हमने आके पूछा इनका हाल चाल, तो इन्होंने बताया कि खेती कैसे की जाती है, फल को कैसे बचाया जाता है, किस किस प्रकार की दवाएं डाल के मतलब कीड़े ना खा पाए खेत को, उस तरीके से। तो राजू भाई ने कुछ हमें नॉलेज दी है। हाँ, दवा भी तो डालते हैं राजू भाई हम आपका। और तुमको जितना ये परवल का खेत है अभी जो नया है, ज्यादा दिन का नहीं है, 2.5 महीने में 3 महीने तैयार हुआ है। अभी हमें राजू भाई और भी जाना है दूर। अब देखो, हम आपको हम तुमको दिखा रहे हैं, ये फल लगा हुआ है, देखिए आपके फल लगा हुआ है जी, हमको जितना ये सब हर घास में लगेगा। अच्छा, हर घास में तुमको फल ही फल दिखाई अभी देगा। ये फल जो है निकल रहे हैं अभी, ये मतलब तैयार नहीं हुए हैं, ये तैयार नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी ये पानी लगेगा तो 8 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपको इतना मिलेगा, इतना। तो
तो इतनी धूप है, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लिया करिए, काम रेस्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ना तो हमको थोड़ा देर से करेंगे तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा काम हो जाएगा। अब राहुल, ये हमारे राजू भाई हैं, किसान भाई हैं, तो थोड़ा सा इनसे तरस खाइए और लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, फॉलो करिए, जो बेनिफिट होगा आपको मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। जो है सपोर्ट करेंगे, इनका भी एक चैनल बनाएंगे, इनको एक मोबाइल देंगे हम, और दोनों हाथ